नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग, जैसे आप नाम से ही पता चलता है, प्लानिंग मतलब हर चीज़ में आप कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम करना है, काम करना है, तो पूरा प्लान करते हैं। आप प्लान करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सही चीज़ कंस्ट्रक्शन में भी एप्लीकेबल है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग और वेल प्लान इज हाफ डन, ऐसा भी माना जाता है। अगर आपने ठीक से प्लानिंग किया तो आपका 50% काम हो गया, बाद में जो 50% काम है वो इम्प्लीमेंटेशन का ही रहता है। अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्लानिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होता है, मतलब बिफोर टेंडरिंग स्टेज से पहले से प्रोजेक्ट अवार्ड होके कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन, हैंड ओवर, वहाँ तक प्लानिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे प्री टेंडरिंग स्टेज में, जैसे कोई भी टेंडर हम लोग कोट करते हैं, तो वो टेंडर कोट करते समय हम लोगों को उसमें जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी वर्क है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसका पूरा एक बार चार्ट बनाना पड़ता है, उसमें कौन सी एक्टिविटी कितना दिन लगेगा, क्या सब एक डिटेल प्लानिंग बना करके कितना दिन में हम लोग कितना रिसोर्स यूज़ करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, और उस रिसोर्स के बेस के हिसाब से कितना स्टाफ, कितना मैन पावर, कितना लेबर, कितना मटेरियल, कितना मशीनरी, ये हर चीज़ का हम प्लानिंग करते हैं। उसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग करते हैं, वही कॉस्टिंग हम टेंडरिंग में यूज़ करते हैं। और टेंडर हम लोगों विन होने के बाद या फिर टेंडर हम लोगों को मिलने के बाद में उसका एक बजट बनाते हैं, और वो बजट के अकॉर्डिंगली आगे जो भी एग्जीक्यूशन रहता है वो पूरा प्रोसेस रहता है। अभी यहाँ प्लानिंग का मेन रोल शुरू हो जाता है। जैसे अभी कोई भी बजट आने के बाद में जैसे प्रॉपर एग्जीक्यूशन का प्लान बनाना है, वहाँ एकदम एक्यूरेट प्लानिंग बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और अकॉर्डिंग टू बजट मतलब कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। अभी प्लानिंग और शेड्यूलिंग, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू और हाउ टू डू, और शेड्यूलिंग क्या है, व्हेन टू डू और हु टू डू। मतलब प्लानिंग में कैसा है, कौन सी चीज़ कब करनी है और कैसे करनी है, जबकि शेड्यूलिंग में वो चीज़ कौन करने वाला है और कब करने वाला है, टाइम का इम्पोर्टेंस है। तो ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी प्लानिंग का जो मेन जैसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कॉस्ट फैक्टर रहता है, शेड्यूल फैक्टर रहता है। जैसे कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और शेड्यूल में टाइम ओरिएंटेड और रिसोर्स ओरिएंटेड। तो जब प्लानिंग इंजीनियर अपना एग्जीक्यूशन के लिए प्लान देता है, तो वो पूरा प्लान जो भी रहता है वो अकॉर्डिंग टू पूरा बजट के हिसाब से रहता है, और वो जो प्लानिंग करते हैं वो कौन कौन सा रिसोर्सेस कंपनी के पास अवेलेबल है, कौन कौन से मशीनरी प्लांट, इसका पूरा डाटा रहता है। उसके साथ ही एक्टिविटी बेस्ड एक प्लानिंग रहता है। जैसे टेंडर में हम लोगों को जो बीओक्यू मिलता है, वो बीओक्यू में एक एक्टिविटीज़ रहता है, कौन क्वांटिटी वाइज कौन कौन सी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी वाइज भी प्लानिंग बनाते हैं। टोटल कौन से मंथ में कितनी क्वांटिटी हम लोगों को काम करना है, तो वो क्वांटिटी करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना लेबर लगेगा, और कितना मशीनरी या इक्विपमेंट लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब के लिए कितना फंड की प्रोविजन है, क्योंकि ये सब के लिए फंड प्रोविजन होगा तभी आगे काम बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है, प्लानिंग सब करते हैं, सब आगे शेड्यूल सब बनाते हैं, लेकिन टाइम पे फंड अवेलेबल नहीं होता, वो प्रोजेक्ट फिर डिले हो जाता है। तो प्लानिंग का मेन, ये जो भी प्लानिंग करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन का जितना आप प्लानिंग करोगे, शेड्यूलिंग करेंगे, बहुत सारे प्लानिंग करने के लिए शेड्यूलिंग करने के लिए आजकल नए नए सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ होता है। मेन दो सॉफ्टवेयर जो भारत में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट MSP और दूसरा प्राइमावेरा। तो कितना भी आप अच्छा से प्लानिंग करो, शेड्यूलिंग करो, जब तक वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन टीम को प्रॉपरली उनको जो भी बताना है, और वो बता के बाद उनसे डिस्कस करना है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
उसका रिसोर्स हो, मशीनरी हो, मैन पावर हो, लेबर हो, वॉट एवर उनका जो भी रिक्वायरमेंट हो उसे डिस्कस करके उनको जो अवेलेबिलिटी वर्क करना है, और वर्क एग्जीक्यूशन होने के बाद में प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं वो मॉनिटर करना है, क्योंकि ये मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मॉनिटर करते समय पता चलता है कि हमारा प्लान किया हुआ एक्टिविटी टाइमली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी में हम लोग बैकलॉग है या फिर आगे है, तो उस हिसाब से अगर बैकलॉग है तो उसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं ये भी सोचना है। और एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद में एटलीस्ट वंस इन अ वीक मतलब हर वीक में एक बार मीटिंग जरूर लेना है, और वो मीटिंग में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, साइट हेड, जीएम जो भी है वो सब आके इकट्ठा आना है। प्लानिंग हेड रहेगा एज वेल एज एग्जीक्यूशन हेड रहेगा, फिर मशीनरी मैन पावर देखने वाले उनका हेड रहेगा, बिलिंग का हेड रहेगा, एज वेल एज जो पूरा एग्जीक्यूशन के जो सीनियर इंजीनियर जो भी एट साइट काम करते हैं वो भी रहेंगे। और तो उस वहाँ डिस्कस करना है कि कौन सी एक्टिविटी आपके टाइम पे चल रही है, कौन से बैकलॉग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, कहाँ डिले है, तो ये सब वो मीटिंग में डिस्कस करके उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका तुरंत सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो नेक्स्ट मीटिंग में सबसे पहले पिछले मीटिंग में जो भी आपके पॉइंट्स थे वो क्लियर हुए कि नहीं वो डिस्कस करना है, और उसके बाद ही आगे क्या करना है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ तो ही हम आगे का प्रोजेक्ट हो वो टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। प्लानिंग का एक सबसे बड़ा रोल है कि जो भी प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट हिसाब से एज वेल एज टाइम हिसाब से एज पर विजन कंप्लीट करना है, मतलब प्रोजेक्ट टाइम पे करना है, डिले नहीं करना है, और कॉस्ट इफेक्ट भी होना है, लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्लानिंग का भी रहता है। अभी बहुत सारी कंपनीज में प्लानिंग और बिलिंग का एक इकट्ठा ही डिपार्टमेंट रहता है, तो कभी कभी और कुछ कुछ कंपनी में प्लानिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है। तो प्लानिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए प्लानिंग का प्रॉपर जो प्लानिंग इंजीनियर्स का या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक पर एकदम मेजर रोल होता है, और वो पूरा प्रोजेक्ट को मतलब स्टार्ट टू एंड इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्लानिंग और शेड्यूलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आपको ये वीडियो आप कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।